जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश भारत में कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाला एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय की ICAR यूनिवर्सिटी रैंक 31वीं है। विश्वविद्यालय मुख्य रूप से दो संकायों में है, कृषि संकाय जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट और वेजिटेबल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री। आते हैं कृषि इंजीनियरिंग संकाय जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड एग्रीकल्चर मीटियोरोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्म मशीनरी एंड पावर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट एंड सर्विस सेंटर। आता है संस्थान कृषि वानिकी एवं इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में विभिन्न स्नातक स्नातकोत्तर डॉक्टरेट स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय 11 विषयों में स्नातक की डिग्री, 43 विषयों में मास्टर डिग्री और 19 विषयों में डॉक्टर की डिग्री प्रदान करता है। विश्वविद्यालय में प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता है। इस विश्वविद्यालय से आप BSc एग्रीकल्चर, BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, BSc फॉरेस्ट्री, MSc हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस, MSc एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, MSc एग्रोनॉमी, MSc एग्रीकल्चर, MSc जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, MSc प्लांट पैथोलॉजी, MSc प्लांट फिजियोलॉजी, MSc सॉइल साइंस, MSc एग्रोफॉरेस्ट्री, MSc हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस, MTech सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, PhD एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, PhD एग्रोनॉमी, PhD एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, PhD प्लांट ब्रीडिंग, PhD प्लांट पैथोलॉजी, PhD प्लांट फिजियोलॉजी, PhD एग्रोफॉरेस्ट्री, PhD फार्म मशीनरी और पावर, PhD सॉइल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट आदि कोर्स कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अपने छात्रों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे विश्वविद्यालय में पुरुष एवं महिला छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा है। PG और UG छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास हैं। प्रत्येक छात्रावास में एक कॉमन रूम, हॉस्टल लाइब्रेरी, कलर TV, गेस्ट रूम के लिए चैटल, इंडो गेम्स रूम आदि से लैस किया गया है। संस्थान अपने छात्रों और स्टाफ सदस्यों को पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करता है। छात्रों के लिए विभिन्न डोमेन की लगभग 20,000 से अधिक पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में बहुत सारे शोध पत्र, पत्रिकाएं और ई पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। कॉलेजों में छात्रों के लिए खेल अभ्यास के लिए सभी सुविधाएं हैं। विश्वविद्यालय में छात्रों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खेल से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विश्वविद्यालय में छात्रों के प्लेसमेंट के लिए एक प्लेसमेंट सेल है, जो विश्वविद्यालय के युवा स्नातकों के बेहतर प्लेसमेंट के लिए सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह छात्रों के लिए कई सेमिनार, व्याख्यान, कोचिंग कक्षाओं का आयोजन करता है। यह छात्रों को प्लेसमेंट की जानकारी प्रदान करता है और कैंपस इंटरव्यू की भी व्यवस्था करता है। यह समय समय पर व्यक्तित्व विकास करियर मार्गदर्शन व्याख्यान भी आयोजित करता है।
विश्वविद्यालय में विभिन्न कृषि कंपनियों द्वारा कृषि स्नातकों का चयन किया जाता है। औसत पैकेज 4 लाख का रहता है। विश्वविद्यालय से कृषि छात्रों का चयन करने वाली प्रमुख कृषि कंपनियां हैं बेयर क्रॉप साइंस, दयाल फर्टिलाइजर, रैलीज इंडिया लिमिटेड, मॉन्सेंटो इंडिया, गोडरेज एग्रोवे लिमिटेड, रासी सीड्स आदि। विश्वविद्यालय में शोध कार्यों के लिए शोध निर्देशालय की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत 20 कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं जहां कृषि वैज्ञानिक शोध कार्य करते हैं। इस विश्वविद्यालय ने अनाजों, दालों, तिलहनों की बहुत सारी उन्नत किस्मों का विकास किया है जो मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में उपयोगी हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। कृषि परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।